गाइस कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको दोस्त धीरज शर्मा आप सबके लिए न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ गाइस। तो फ्रेंड्स आज हम हमारी इस वीडियो में वापस टाउन ऑनलाइन वर्सेस टाउन ऑनलाइन फुल अटैक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। और गाइस इस बार जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं वो है HGHB स्ट्रेटजी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी में जो आर्मी यूज़ करते हैं वो है 10 जाइंट, 8 विजार्ड, 4 हीलर, 3 मिनियन, 15 हॉक्स, सीसी में मैक्स बॉलर। और गाइस स्पेल में 2 रेंज, 2 हीलिंग और अपनी तरफ से पॉइजन और सीसी में मैक्स पॉइजन। तो गाइस ये जो बेस है टाउन हॉल 9 का टोटल मैक्स बेस है, इसकी वॉल भी अच्छी है। तो गाइस अटैक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जाइंट ड्रॉप करेंगे एंड उसके पीछे हीलर्स और गाइस विजार्ड से फनल बनाएंगे। अब गाइस बॉलर सीसी में से ड्रॉप किए और हीरोज़ भी ड्रॉप किए और गाइस रेंज यूज़ करी। गाइस रेंज से क्या होता है, जो बॉलर का डबल टीम अटैक होता है वो और भी पावरफुल हो जाता है और बेस को क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है गाइस। तो लगभग काफ़ी अच्छा हो गया। और गाइस साइड में से हॉक्स ड्रॉप किए। HGHB अटैक टाउन 9 के लिए बहुत अच्छा अटैक है और इससे भी कोई भी टाउन 9 को ईजीली उड़ाया जा सकता है गाइस। अभी भी हीलर्स अपना वर्क कर रही है जाइंट्स के ऊपर और काफ़ी आर्मी बची हुई है। अभी एक हीलिंग बाकी है और हॉक्स भी बाकी है गाइस। एक लास्ट हीलिंग थी जो हॉक्स पर यूज़ करी और बेस लगभग क्लियर होने वाला है गाइस। तो गाइस देखा आपने HGHB अटैक से टाउन हॉल 9 मैक्स भी ईजीली उड़ जाता है, पर गाइस इसमें आपके पास हीरोज होना बहुत ज़रूरी है। अब गाइस पूरा डिफेंस उड़ गया, क्लियरिंग का काम हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो गाइस ये बेस इजीली फुल हो गया HGHB अटैक से। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अटैक की तरफ। सेम आर्मी गाइस HGHB और गाइस ये जो टाउन 9 का बेस है वो काफ़ी अच्छा बेस है, टोटल मैक्स है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कोनों में से जाइंट ड्रॉप किया और हिडन टेसिला आउट हो गया। ओके एंड उसके पीछे हीलर्स यूज़ करी एंड गाइस विजार्ड से फनल बनाया हमने। किंग और क्वीन ड्रॉप किया एंड सीसी में जो बोल रहे थे वो भी ड्रॉप हो गए गाइस। काफ़ी अच्छा अटैक था और गाइस सीसी में से मैक्स बॉलर निकले और गाइस यहाँ पर रेंज यूज़ किया। रेंज से गाइस मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि बॉलर के डबल टीम अटैक से काफ़ी इजीली बीट हो जाता है बेस। और गाइस अभी तक हॉक्स ड्रॉप नहीं हुए और गाइस बेस इजीली 40% क्लियर हो गया गाइस। अब गाइस ऊपर से हॉक्स की आर्मी ड्रॉप की और गाइस 2 हीलिंग बची हुई है और 15 हॉक्स के लिए 2 हीलिंग काफ़ी अच्छा होता है पूरा बेस को क्लियर करने के लिए। और अभी भी गाइस जाइंट और बॉलर बचे हुए हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा आर्मी और बेस 55% ईजीली क्लियर हो गया गाइस। तो फ्रेंड्स आपको HGHB अटैक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके अब लगभग सारा डिफेंस क्लियर हो गया, अब हम क्लियरिंग का काम बचा है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते थोड़ा सा। और गाइस कोई भी टाउन हॉल 9 ईजीली बीट हो जाता है HGHB से और इजीली 3 स्टार अटैक की तरफ। तो गाइस ये जो बेस है टाउन हॉल 9 टोटल मैक्स बेस है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन। हम HGHB कैसे करेंगे बताते गाइस। आर्मी सेम ही है गाइस, तो सबसे पहले जाइंट ड्रॉप किए, देन उसके बैक में हीलर छोड़ी और गाइस क्वीन को ड्रॉप किया। इस अटैक में गाइस किंग नहीं है, बट गाइस बिना किंग के भी ये बेस HGHB से इजी हो गया। और गाइस बॉलर को रेंज दी मैंने। गाइस ये आपको पिछली बार भी बताया था कि बॉलर को रेंज देने से उसका 2 हिट पॉइंट्स में ही काफ़ी बेस क्लियर हो जाता है। और गाइस जाइंट अभी भी ज़िंदा है
और वापस एक और रेंज दी ताकि बेस फटाफट क्लियर हो जाए। और गाइस साइड में से हॉक्स ड्रॉप किए और हीलिंग, दो हीलिंग हमेशा हॉक्स के ऊपर ही होनी चाहिए और हीलिंग जाइंट्स को देने की नीड ही नहीं पड़ती। और गाइस स्केलेटन में आउट हुए हॉक्स को मारने के लिए, तो हमने पॉइजन का यूज़ किया ताकि स्केलेटन इजीली फिनिश हो जाए और हॉक्स को बचाया जा सके। अब गाइस एक लास्ट हीलिंग थी जो हमने हॉक्स पे यूज़ कर ली और ये बेस इजीली क्लियर हो गया। और गाइस HG HB टाउन हॉल 9 में बहुत ही अच्छा होता है। आपको कैसा लगता है गाइस HG HB? आप भी यूज़ करना अपने वॉर में और 100% क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गाइस कंप्लीट हो गया ये बेस, अब फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। और गाइस अभी भी क्वीन की एबिलिटी बाकी है, अभी भी हम अगर सारे ट्रूप्स फिनिश हो जाए तो क्वीन की एबिलिटी विद हीलर्स इजीली कोई भी बेस को 30 से 40% लॉस।